ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని తాన్సీ బస్ స్టాండ్ సమీపంలో దారుల్ అన్సర్ వెల్ఫేర్ సొసైటీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన చలివేంద్రాన్ని జిల్లా కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు సాజిద్ ఖాన్ ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సొసైటీ అధ్యక్షుడు సదర్ ఖాజీ నదీముద్దీన్, ఉపాధ్యక్షుడు ఆరిఫ్ ఖాన్, ప్రధాన కార్యదర్శి కిజరా, సభ్యులు జాఫర్ ఖాన్, హజీజ్, మోహిద్, ముజాహిద్, హష్మీ, అజ్జు, హుస్సేన్, సికిందర్, మోహిన్ పటేల్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से तामसी बस स्टैंड के पास क्रोम हॉस्पिटल के पास रेगुलर यहां पर तामसी तलामड़गू के लोग और टू टाउन के काटीगुड़ा, महालक्ष्मीवाड़ा, रंदीर नगर, जय जवान नगर, गांधी नगर, इस तरफ के लोग, रामपुर के लोग जो सो रोज़ यहां आते. बहुत बड़ा यहां पे एक सेंटर पॉइंट है. यहाँ पे आरटीसी बस से लेके ऑटो से लोग यहीं से उतरते हैं और यहीं से आदिलाबाद में अपना काम करके जाते हैं. चिल्ड वाटर, प्यूरिफाइड और चिल्ड वाटर विद डिस्पोजल ग्लास दारुल अंसार वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से यहाँ लगाया गया. मैं उनकी टीम को, सारे लोगों को, मैनेजमेंट को, जो लोग यहाँ ठहर के, वही सब जो पानी का डेली जो सो पिलाने का इंतज़ाम कर रहे, जो लोग पानी भेज रहे, और सोसाइटी के सारे लोगों को मैं मुबारकबाद देते हुए आदिलाबाद के इस तरफ के सारे लोगों को इत्तला देना चाहता हूं कि यहां दारुल अंसार की तरफ से चिल्ड पानी और प्यूरिफाइड पानी है. कोरोना की तरफ से जो है डिस्पोजल ग्लासेस भी लगाए, तो आप लोग आकर यहां पानी पिए. और सारे लोगों को, दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस जितने भी हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये दुबकाला जो है बहुत ज़्यादा धूप है. अभी 43-45 में जा रहे हम लोग, तो जहाँ जहाँ भी मुनासिब हो सकता पानी पिलाइए. और कुछ कुंडों में